तो बात हो रही है नेल पॉलिश की, नेल्स को खूबसूरत बनाने का काम करते हैं ये, और आपके हमारे चहेते एक्टर्स नेल पॉलिश का इस्तेमाल बखूबी करते हैं नेल्स पर। और इस वक्त हमारे साथ जी है श्वेता जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। सी माई नेल्स। ये सबसे पहले तो जो आपका लुक होता है हमेशा हमने देखा कि उससे मिलता जुलता या कंट्रास्ट कुछ ऐसी चीज़ें लगाती हैं जिससे उभर कर सामने आया, तो आज आपने लगाया है, कुछ बताएंगे किस लिए ये ग्लिटर लगाया था? ऐसा है मनीष कि मेरा जो कैरेक्टर है वो मिस चांदनी चौक का है, शायद अगर लोग भूल गए हो तो मैं उन्हें याद दिला दूँ। एंड मिस चांदनी चौक जो होती है वो बहुत सजती धजती है, फिर मेरे कैरेक्टर के हिसाब से भी मुझे ड्रेसअप होना पड़ता है, उसके लिए टिप टॉप रहना पड़ता है, जैसे कि मतलब मेकअप के साथ साथ साड़ी एंड एवरीथिंग, अटायर के साथ साथ ईयररिंग्स एक्सेसरीज के साथ साथ आपको नेल पेंट जो होते हैं, ये जो होता है ना, ये औरतों को ऐसे लगता है कि ये जो होता है इस पर किसी की नज़र नहीं होती है और ये सबसे निग्लेक्टेड पार्ट होता है, तो और आजकल लोग बहुत ध्यान देने लग गए इस पर, जो बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि ऑफिस गोइंग औरतें हो गई या फिर हमारी इंडस्ट्री की औरतें हो गई, उनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है इस बारे में। और आजकल तो जेल नेल पेंट्स भी निकले हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं है किसी बात की, आप बस पार्लर जाओ जेल पेंट लगवा लो और वहीं पे सूख भी जाता है और महीने महीने पर टिक भी जाता है, तो नेल्स अच्छे होने चाहिए। तो मेकअप में वाली 10-15 मिनट लग जाते हैं, तो नेल को जब आप सजाते हैं तो इसमें कितना टाइम जाता है? अरे नेल्स को सजाने में तो बहुत टाइम जाता है क्योंकि उनको लगाने में टाइम नहीं जाता लेकिन उनको सूखने में बहुत टाइम हो जाता है। एंड इसके लिए भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि अगर आप नॉर्मल नेल पेंट अपनी उंगलियों पे लगा रहे हैं तो अगर आप रात को लगा के सो जाए तो उसको सेमी ड्राइड कंडीशन में रख के अगर आप सो जाए तो फिर वो सुबह तक तो सूख ही जाता है, स्पेशली जब आप 2-3 कोट्स लगाते हैं। जब आप इस्तेमाल करती हैं नेल पेंट्स उंगलियों पे तो कपड़ों पे ज़्यादा ध्यान होता है, कपड़ों से मैचिंग होनी चाहिए या फिर जैसे जिस तरह से मेकअप लाइट किया या फिर ज्वेलरी पहनी है उस पर कुछ मैचिंग जाना चाहिए? ज्वेलरी से ज़्यादा कपड़ों से मैच होना चाहिए नेल पेंट जो है, और स्पेशली ऐसे शेड्स होते हैं जैसे गोल्डन हो गया, सिल्वर हो गया, ये जो शेड्स होते हैं, बेज हो गया, लाइट पिंक हो गया, ये जो शेड्स होते हैं ये सारे कपड़ों पे जनरली जाते ही है, तो मुझे लगता है कि गर्ल्स ज़्यादा प्रेफर करती है इन शेड्स को। एंड हैंड्स पे जनरली लाइट शेड्स अच्छे लगते हैं एंड लेग फीट के जो नेल्स होते हैं उस पर जनरली डार्क पेंट्स अच्छे लगे, अगेन डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्शन एंड चॉइस। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने अपना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।